नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। बिहार के शिक्षकों में शिक्षा विभाग की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद दहशत मचा हुआ है। ऐसे के सैकड़ों शिक्षक होंगे जिनकी सैलरी अब तक काटी गई है और ऐसे सैकड़ों स्कूल हैं जहां पर लगातार निरीक्षण किया गया है। अब के पाठक के आदेश के बाद जितने भी स्कूलों के चाहे कॉलेजों के शिक्षक हैं वो दहशत में इसलिए हैं क्योंकि एक बार फिर से बड़ी कार्रवाई हुई है और इस कार्रवाई की जद में सैकड़ों लोग आ गए हैं। अब देखिए, खबर के मुताबिक बिहार में शिक्षा की स्थिति सुधारने के लिए विभाग प्रतिदिन स्कूलों और कॉलेजों का निरीक्षण कर रहा है। इस क्रम में आपको बता दें कि एक बड़ी कार्रवाई स्कूल पर ही नहीं बल्कि कॉलेज पर भी हुई है। अब बिहार में स्कूलों के निरीक्षण के साथ साथ कॉलेजों को भी देखा जा रहा है। विश्वविद्यालय से अंगीभूत जो कॉलेज हैं, जो डिग्री कॉलेज हैं, उन पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। वहां लगातार जांच की जा रही है, कौन अब्सेंट है, कौन अब्सेंट नहीं है और कौन बिना बताए गायब हो गया है, ऐसे लोगों को देखा जा रहा है। और हुआ ऐसा है, 20 जुलाई को सर्वेक्षण हुआ, मतलब निरीक्षण हुआ, कॉलेजों में निरीक्षण किया गया, स्कूलों में निरीक्षण किया गया। उसके बाद कॉलेजों पर भी बड़ी कार्रवाई हो गई, कॉलेजों के सैकड़ों शिक्षकों का वेतन काट लिया गया, इसके साथ ही अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया, निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालयों के तहत आने वाले डिग्री कॉलेजों के 787 टीचर्स यानी कि 787 टीचर्स और 944 यानी कि 944 नॉन टीचिंग स्टाफ गैर मौजूद पाए गए। इस वजह से शिक्षा विभाग द्वारा ऐसे कर्मचारियों का एक दिन का वेतन काट लिया गया है। अब देखिए, शिक्षा विभाग ने इस संबंध में विश्वविद्यालयों को आदेश जारी कर कहा है कि जो भी स्टाफ बिना कारण अनुपस्थित रहे उनका एक दिन का वेतन काट लिया जाए। ये सभी शिक्षक 20 जुलाई को बिना अनुमति के कॉलेज से गायब थे। शिक्षा विभाग की ओर से शनिवार को ये डाटा जारी किया गया जब हम आपको खबर बता रहे हैं। कार्रवाई 20 जुलाई को ही, मतलब जांच की प्रक्रिया जो है वो 20 जुलाई को ही चली थी, लेकिन जो डाटा है वो शनिवार को अपडेट किया गया, विभाग की ओर से बताया गया, जिसके बाद ये खबरें मीडिया रिपोर्ट्स में चल रही हैं। तो बड़ी कार्रवाई एक बार फिर से हुई है और इस बार कॉलेज निशाने पर रहे हैं। जितने भी कॉलेज हैं वहां निरीक्षण किया गया और वहां जब गैर मौजूदगी पाई गई शिक्षकों और कर्मचारियों की, तो उन्हें तुरंत ही कार्रवाई के जद में लाया गया और उनकी सैलरी एक दिन की काट ली। शिक्षा विभाग की ओर से यह निरीक्षण 1 जुलाई से शुरू हुआ है, आपको पता है, और विभाग ने यह साफ कर दिया है कि जिन एफिलिएटेड कॉलेजों में शिक्षकों की गैर हाजिरी प्रतिदिन अधिक रहेगी उनका एफिलिएशन समाप्त करने की भी विश्वविद्यालय कार्रवाई करे। इतना ही नहीं, शिक्षा विभाग ने उन तमाम कॉलेजों को विशेष हिदायत दी है जिनके यहां से हाजिरी की रिपोर्ट नहीं आ रही है। 20 जुलाई को अनुपस्थित पाए गए 787 शिक्षकों में 715 एफिलिएटेड कॉलेजों और 72 कंटिट्यूएंट कॉलेज के हैं। वहीं 944 नॉन टीचिंग स्टाफ में 909 एफिलिएटेड कॉलेजों के और 25 कंटिट्यूएंट कॉलेजों के हैं। ये सभी टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ बिहार के 15 विश्वविद्यालयों के हैं। इनमें सबसे अधिक पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय 151 टीचर, 213 नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। वहीं मगध विश्वविद्यालय के 100 टीचर्स और 176 नॉन टीचिंग कर्मचारी हैं। पटना विश्वविद्यालय के केवल एक टीचर और तीन नॉन टीचिंग स्टाफ शामिल हैं। मतलब कि ये जो है बड़ी कार्रवाई। अब देखिए, ये कॉलेजों की बात हो गई, लगातार कॉलेजों में भी अब कार्रवाई हो रही है। अब स्कूलों में क्या हुआ है वो हम आपको बताते हैं, जो डाटा जारी किया गया है स्कूलों को लेकर के। अब कितने शिक्षक जद में आए हैं, अब कितने शिक्षकों का वेतन कटा है और कौन अनुपस्थित पाए गए और ये अनुपस्थिति घट रही है या बढ़ रही है। देखिए आंकड़ा बताएं तो 20 जुलाई के विभागीय निरीक्षण के दौरान विभिन्न स्कूलों के 238 यानी कि 238 टीचर्स बिना अनुमति के अनुपस्थित पाए गए। ऐसे टीचर्स का भी एक दिन का वेतन काटने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारियों को दे दिया गया है। अब आपको यह भी जान लेना चाहिए कि 20 जुलाई को राज्य के 23,278 स्कूलों का निरीक्षण किया गया है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा निरीक्षण चल रहा है, कितनी बड़ी जांच चल रही है। 23,278 स्कूलों को 20 जुलाई का जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है शनिवार को, उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं, तो बड़ी कार्रवाई स्कूलों के साथ साथ कॉलेजों में भी और शिक्षकों में दहशत है। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।